तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DSL मैक में। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कि प्लांट ऑपरेटर वालों को सेकेंड स्टेज के लिए कैसे पढ़ाई करना है, कौन सा सिलेबस भी बताऊंगा इस वीडियो में, और कौन से चैप्टर से कितना मतलब आपका आएगा तो साथ ही जानेंगे इस वीडियो में। और देख लीजिएगा, इसमें सेकेंड स्टेज का मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेज का आप 10th लेवल का पढ़ लीजिएगा और मैं फर्स्ट स्टेज के लिए मैं वीडियो बना दूँगा। तो चलिए, हमारे जो दोस्त है वो आपको सेकेंड स्टेज का जो एडवांस टेस्ट है उसके बारे में आपको डिटेल देंगे। तो देख लीजिए, वो भी प्लांट ऑपरेटर है अभी हाल ही में, तो उनसे बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेनली मैं एडवांस टेस्ट की बात करूँगा क्योंकि प्री टेस्ट तो क्वालिफाइंग है, तो सब अप्रोक्स मैक्सिमम सभी लोग ही क्वालिफाई कर लेते हैं। और फर्स्ट स्टेज के बारे में अमर जी बात कर लेंगे। तो मैं मेनली जो एडवांस टेस्ट के बारे में बात करता हूँ, जिसके बेसिस पर मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें मेनली 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। 50 क्वेश्चन रहते हैं, जो पर क्वेश्चन 3 मार्क्स रहता है, टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। तो इस पर हम बात करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें पर सब्जेक्ट मिनिमम 15 क्वेश्चन रहेंगे, किसी में 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो मिनिमम 15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से रहेगा। तो आपको इक्वली सभी सब्जेक्ट पर फोकस देना है, ना कि आप सोचो कि फिजिक्स में तीनों सब्जेक्ट बैलेंस करके चलना है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट में ही अच्छा करोगे तो ही आप मेरिट में आ पाओगे। तो देन हम बात करेंगे फर्स्ट मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैं मैथमेटिक्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेनली एडवांस टेस्ट में क्लास 11-12 के लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, तो मेनली ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं। जस्ट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, ना कि आपका कोई JEE एडवांस मेंस लेवल इतना नहीं आता, बट बेसिक कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक क्लास 11-12 बोर्ड एग्ज़ाम में MCQ एंड आते हैं, उस टाइप में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 11-12 बोर्ड एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेनली मैथ में जैसे कि अपने कुछ मेजर टॉपिक हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जो कि मतलब आपको ज़्यादा इन टॉपिक्स में डीप नहीं जाना है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। जैसे कि मैंने आपको बताया 11-12 में बोर्ड एग्ज़ाम में MCQ आते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सेट रिलेशन एंड फंक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, प्रोबेबिलिटी, तो इस टाइप का टॉपिक मेजर आप कवर करिए। एंड आपका जैसे कि फिजिक्स में आपके इस टाइप के टॉपिक आएंगे, जैसे फ्रिक्शन से आ जाएंगे, लॉज ऑफ मोशन से आ जाएंगे, ग्रेविटेशन से जाएंगे, और वर्क एनर्जी पावर से रहेंगे, थर्मोडायनेमिक्स से रहेंगे, और ऑसिलेशन एंड वेव्स लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैग्नेटिक इफेक्ट से आ जाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रहेंगे, ओम्स लॉ जैसे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी रहेंगे। फिजिक्स में थोड़ा न्यूमेरिकल का भी देख के चलना, मेनली न्यूमेरिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी से रहेंगे एंड ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल रहेंगे, मिरर्स एंड लेंस उससे भी रह सकते हैं, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ लेना, एटॉमिक एंड न्यूक्लिया, ये मॉडर्न फिजिक्स में ये टॉपिक कवर कर लेना। हाफ लाइफ इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, सेमीकंडक्टर्स, PN जंक्शन एंड P-type N-type सेमीकंडक्टर, इस टाइप के क्वेश्चन मेनली फिजिक्स में रहेंगे। इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन से रहेगा, सर्कुलर मोशन में रहेंगे, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, इस टाइप में क्वेश्चन रहेंगे। एंड जैसे कि अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में भी ज़्यादा कुछ इतना टफ नहीं आता पेपर, जैसे कि अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएंगे क्वेश्चन, सॉल्यूशन से IUPAC नेम कर लेना, हाइड्रोकार्बन्स,
एंड ऑक्सीडेशन नंबर इस टाइप के, फंक्शनल ग्रुप, हाइब्रिडाइजेशन एस पी टाइप, दिस टाइप हाइब्रिडाइजेशन, गैस लो लॉब गैसेस रहते हैं, इससे केमिकल इक्विलिब्रियम्स रहेंगे और न्यूमेरिकल रह सकते हैं मॉल कॉन्सेप्ट से, जैसे मॉलर डी मोलिटी नॉर्मलिटी, इस टाइप के क्वेश्चन मेजरली रह सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से पीरियोडिक टेबल, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं केमिस्ट्री में, जिस मैं आपको बोलाऊँ कि ज़्यादा डीप कुछ नहीं पूछेंगे, ज़्यादा एडवांस लेवल का कुछ नहीं पूछेंगे, बट आपका कॉन्सेप्ट बेसिक बेसिक, जैसे कि मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, पहले भी बोला हूँ कि जो 11 12th के MCQ रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं जो अपने बोर्ड एग्ज़ाम 11 12th में जो बोर्ड एग्ज़ाम रहते हैं उसमें MCQ अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहते हैं उस टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। और अपने जिस बुक से जो प्रेफर करो, मेनली NCERT का बुक रहता है, उसमें मेनली डीप में मत जाओ, अपने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, मेन टॉपिक क्लियर करो, टाइम है तो अच्छा डीप भी पढ़िए क्योंकि वो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और जैसे कि लूसेंट साइंस की बुक आती है उसे भी प्रेफर कर सकते हो, बट मेजरली तो मैं NCERT से पढ़ोगे तो भी अच्छा रहेगा, और लूसेंट की बुक भी पढ़ लो एक बार, और NCERT क्लास 11 12th की तो देख ही लो, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो मेन कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बट 11 12th NCERT आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। तो देख लिया दोस्तों आप लोगों को, जैसा कि सिलेबस बता दिया है मेरे दोस्त ने सेकेंड स्टेज का, जो कि आपका एडवांस टेस्ट होता है प्लांट ऑपरेटर में, तो अब उसके आगे हम बता रहे हैं आपको कि जो भी आपको डाउट लग रहा है ना कि इसमें भाई कौन सा क्या हो रहा है ना, तो जो भी आपको डाउट लगता है आप कमेंट करिए, और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन के मैसेज आपको मिल जाएंगे। और आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो को शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल को पूरा एक बार देख ले, उस पर आपसे BRC से जुड़ी सारी रिलेटेड जानकारियां है, कितनी क्या टेक्नीशियन को सैलरी मिलती है, प्लांट ऑपरेटर को कितनी मिलती है, तो सारे वीडियो बने हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपको कमेंट कर दीजिएगा जो भी डाउट है, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसमें आप कमेंट कर सकते हो, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही आप जो भी डाउट लग रहा है आगे, तो आप इस पर कमेंट करिए, हम आगे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, ओके।